जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। दोस्तों होमगार्ड संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, जी दोस्तों वेतन बढ़ोतरी संबंधित खबर हो या दोस्तों जो भी आपकी और अन्य खबरें आती हैं उस संबंधित जानकारी दोस्तों हम आप तक सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों देश भर के होमगार्डों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। होमगार्डों के वेतन में आपकी बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रतिदिन आपका वेतन है वो 702 रुपये तक है, वो बढ़ाया गया है। साथ ही आपका जल्द ही रुका हुआ वेतन भी आपके अकाउंट में आने वाला है। इसके साथ साथ सरकार आपको कई अदर फैसिलिटी भी देने जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से राज्य में होमगार्डों के वेतन में आपकी बम्पर बढ़ोतरी हुई है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों होमगार्ड संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है दोस्तों हम अब तक उसकी जानकारी सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों उससे आपसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कौन से राज्य में होमगार्ड के तौर पर कार्य करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। साथ ही हाल फिलहाल में आपको कितना वेतन मिलता है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। तो सभी राज्यों की सभी खबरें पूरा डिटेल से देख लेते हैं। 5 माह बाद 16,519 होमगार्डों की ड्यूटी बहाल, मिलेगा बढ़ावा वेतन। तो आपके लिए अच्छी खबर है। तो ये न्यूज़ आ रही है आपकी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय ने बीते साल बजट के अभाव में प्रदेश के 16,519 होमगार्ड की ड्यूटी खत्म करने के आदेश को बहाल कर दिया है। ये होमगार्ड पूर्वी की भांति थाना और आदि स्थानों पर ड्यूटी करेंगे। प्रदेश के सभी DM SP के अलावा होमगार्ड DIG और मंडलीय और जिला कमांडेंट को भेजे आदेश के कहा कि होमगार्डों को जल्द से जल्द दे। DG होमगार्ड विजय कुमार के मुताबिक विभाग के पास 50 करोड़ का बजट है। बजट को देखते DG ने होमगार्डों की ड्यूटी 30 मार्च तक लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस बजट से उनके दैनिक भत्ते का भुगतान किया जा सके। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन के अफसर के अतिरिक्त अब आपके बजट के संदर्भ में वार्ता चल रही है, ताकि इन होमगार्डों को दोबारा न हटाया जा सके। साथ ही 24,019 होमगार्ड बोर्ड परीक्षा और कावड़ यात्रा पर लगाए गए हैं। साथ ही DG ने अयोध्या, बाराबंकी, उन्नाव और आपके रामपुर समेत 14 जिलों में बोर्ड परीक्षा, कावड़ यात्रा और होली के मद्देनज़र है वो 2,419 होमगार्ड आपके अतिरिक्त होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इन जिलों में होमगार्ड पुलिस के साथ साथ शांति व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। इनका भुगतान 31 मार्च तक है वो किया जाएगा। 41,000 होमगार्डों की ड्यूटी खत्म की गई थी। बीते साल सितंबर में आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा होमगार्डों का दैनिक भत्ता 500 रुपये से बढ़कर 702 रुपये कर दिए जाने के फैसले के बाद 41,000 होमगार्डों की ड्यूटी खत्म कर दी गई थी, जिसमें होमगार्ड विभाग ने बजट के अभाव में आपके 32% होमगार्ड 16,519 होमगार्ड की ड्यूटी खत्म कर दी गई थी। इसके अलावा गृह विभाग ने सूबे में पुलिस के साथ ड्यूटी करने वाले 25,000 होमगार्डों को एक साथ हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अब उन होमगार्डों को प्रदेशव्यापी आपका विरोध प्रदर्शन के बाद शासन उन्हें वापस लेना पड़ा। हालांकि अभी तक इन होमगार्डों की जुलाई से भी अब तक है आपके भुगतान नहीं हुआ है। अगली खबर दोस्तों देखते हैं। 236 होमगार्डों के मानदेय के लिए मुख्यालय से मिला है 2 करोड़ 56 लाख का है बजट। पीलीभीत का नियोजित 7 माह से मानदेय को लेकर परेशान आपके 236 होमगार्डों को सरकार ने बजट जारी कर राहत दी है। SP की ओर से जारी आपके डिमांड पर पुलिस मुख्यालय से आपके 2,56 करोड़ रुपये बजट आया है। इन होमगार्डों को नवंबर और दिसंबर 2019 माह का मानदेय भुगतान किया गया। जनपद से पुलिस विभाग में ड्यूटी देने वाले आपके 236 होमगार्डों का जुलाई 2019 से मानदेय नहीं मिला था। होमगार्डों को परिवार का भरण पोषण करना था भी मुश्किल हो गया था। 6-7 माह से उनके मानदेय भुगतान को कोई बजट नहीं मिला था। होमगार्ड जवान गृहस्थी चलाने के लिए उधार लेने के मंजूर हो गए थे। साथ ही समस्या के समाधान के अधिकारी की गुहार लगाई। इसके बाद SV अभिषेक दीक्षित ने इसको निरस्त आपका निस्तारण करने के लिए DSP को भी इसके लिए आपके पूरा बजट भेज दिया है। साथ ही यहाँ 2,56 करोड़ का बजट है वो भेज दिया गया है। जल्दी सभी होमगार्डों को वेतन है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी सभी राज्यों की संबंधित होमगार्ड संबंधित न्यूज़। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार होमगार्ड संबंधित न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।